वो हम डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं आज मिनरल्स के बारे में ठीक है तो आई होप कि आप लोगों को मेरा जो है ना ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रहा होगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यस सर ऑडियो और वीडियो एकदम बिल्कुल क्लियर है राइट इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का जो है ना आपको वो नहीं है किसी तरीके का कोई इशू नहीं है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सो so दैट अपन जो है ना अभी हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को आगे कंटिन्यू कर पाए और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो पर्टिकुलर मिनरल्स हैं मिनरल्स के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं देखो हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स रिक्वायर होते हैं राइट right? बहुत सारे मिनरल्स रिक्वायर होते हैं जिनके बारे में आज अपन वन बाई वन जानेंगे ठीक है सो गुड आफ्टरनून अर्पिता गुड आफ्टरनून सुहान ज्योति रिया ओके सो बिल्कुल यहाँ पर ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन को जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है राइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो है ना हम डिस्कशन करेंगे आ, हमारे शरीर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं राइट जो मिनरल्स हमारे शरीर में ज़रूरी होते हैं उनके बारे में सेशन को शुरू करेगा जिससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए राइट लिंक है एट रितुराज सर अंडर स्कोर टेक्स बुक अच्छा इसको जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे सारे सेशन का यहाँ पे जो है ना तो क्या मिल जाया करेगा लिंक मिल जाया करेगा ठीक है आपको सारे सेशन का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा लिंक के साथ साथ जो है ना आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू गाइज कैन इंटरेक्ट विथ मी ऑल्सो है ना देखो सपने को पूरा करना राइट और सपने को जो है ना पूरा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे इन लोगों ने अपने एस के ड्रीम को अचीव किया वैसे ही आपको मेहनत करनी चाहिए सो so दैट आप भी अपने सपनों को जो है ना एक नई पहचान एक नई उड़ान दे सकें ठीक है एफकेट हो या एस हो कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो देखो बिना मेहनत के जो है ना किसी भी पर्टिकुलर सपने को हासिल नहीं किया जा सकता ठीक है गाइस यहां पे अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं इन्हीं के बारे में हमें जानना है मिनरल्स एक्चुअल में होते क्या है ठीक है मिनरल्स क्या होते हैं कैसे यहाँ पर जो है ना पर्टिकुलर चीजें वर्क करती हैं गाइज अगर अपन बात करते हैं मिनरल्स की तो मिनरल्स जो है ना ये आपके होते हैं मिनरल्स आर द होमोजीनियस ऑर्गेनिक मटीरियल जो भी पर्टिकुलर मिनरल्स है तो मिनरल्स क्या होते हैं आपके होमोजीनियस इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटीरियल्स होमोजेनियस, इनऑर्गेनिक मटीरियल्स ठीक है होमोजेनियस इनऑर्गेनिक मटीरियल्स यहाँ पर जो है ना होते हैं और गाइज ये एक्चुअल में क्या कंट्रोल करते हैं विच कंट्रोल द मेटाबोलिज्म ऑफ अवर बॉडी ठीक है ये हमारे बॉडी के विच कंट्रोल मेटाबोलिज्म ऑफ आवर बॉडी ये हमारे शरीर के मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करते हैं ठीक है मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करते हैं मतलब अदर वर्ड में हम ऐसे भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स विच कंट्रोल्स दाइड रेंज ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी विच कंट्रोल्स द वाइड रेंज ऑफ फंक्शन मतलब हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस को जो है ना ये कंट्रोल करते हैं विच कंट्रोल द वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ठीक है जो हमारे शरीर के बहुत सारे जो है ना फंक्शन को कंट्रोल करते हैं मैनेज करते हैं उन्हें हम यहां पे जो है ना मिनरल्स बोलते हैं ठीक है चाहे वो हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग हो है ना या जो भी पर्टिकुलर मेटाबोलिक प्रोसेस हो उन सबको कंट्रोल करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग हो या नॉर्मल फंक्शनिंग के अलावा जो है ना तो यहाँ पर जो है ना ये जो पर्टिकुलर मेटाबोलिक प्रोसेस होती है हमारे शरीर में जो उपापचय की प्रक्रियाएं होती रहती हैं मेटाबोलिक प्रोसेस इन सबको कंट्रोल करते हैं ठीक है मेटाबोलिक प्रोसेस हो या नॉर्मल फंक्शनिंग हो इन सबको कंट्रोल करते हैं है ना और मिनरल्स अगर अपन देखें तो ये दो दो टाइप के होते हैं ठीक है दो टाइप के होते हैं एक जिनको कहा जाता है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा जिनको बोला जाता है माइक्रो मिनरल्स मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स ठीक है मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स जो है ना तो ये दोनों तरीके के फंक्शन को हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं दो तरीके के होते हैं ठीक है सो गुड आफ्टरनून संगम कुमार जी बादल अरे बिल्कुल यहां पे लिंक जो है ना मैंने सेंड तो किया है बादल लिंक जो है ना ग्रुप चैनल पे जो है ना शेयर किया है और अगर आप देखें तो मतलब जितने भी पर्टिकुलर सेशन होते हैं इन सब सारे के सारे सेशन का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देता हूँ ठीक है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जितने भी पर्टिकुलर सेशन होते हैं उन सब की लिंक आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है ठीक है सो आई डोंट थिंक कि अभी मतलब एक मिनट बचा हुआ है उसकी एक्चुअल में टाइमिंग सेट रहती है है ना तो टाइमिंग के बाद जो है ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वो लिंक वहाँ पर सेशन चैनल में अवेलेबल हो जाएगी ठीक है और अभी अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर जो है ना लिंक मिल जाएगी आ, हमारे इस पर्टिकुलर चैनल में आ, जो भी पर्टिकुलर मिनरल्स वगैरह की क्लास है यानी कि जो अपना ये पर्टिकुलर सेशन है इसकी ठीक है यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई है यस और नो चलो अगर आपको यहाँ तक बात समझ आई है तो देखिए लुशेंट में क्या क्या दिया हुआ है है ना लुसेंट पे हमने जो है ना पिछला वाला जो अपना सेशन था लास्ट सेशन इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में और न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं है ना कौन कौन से एक तो जो पर्टिकुलर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं है ना एनर्जी प्रोवाइडिंग अच्छा दूसरे जो होते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग होते हैं और बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी प्रोवाइडिंग के बाद जो तीसरे होते हैं उनको अपन बोलते हैं कि आ, जो है ना प्रोटेक्टिंग है ना तो बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से हो गए आपके दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट तीनों तरीके के मोनोसेचराइट डाइसेचराइट और पॉलीसेचराइट है ना अच्छा इसके बाद जो है ना हमने प्रोटीन के बारे में देखा था है ना प्रोटीन जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फैट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ठीक है विटामिन अभी अपन जो है ना आगे डिस्कशन करेंगे विटामिन अभी अपन जो है ना आगे डिस्कशन करेंगे मिनरल्स पर अपन आ, ये वाला पोर्स अभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उस पर अपन विटामिन से डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है मिनरल तो मिनरल जो है ना एक आपका होमोजिनियस ऑर्गेनिक मटीरियल होता है जो नीड होता है बॉडी में राइट right, जो कंट्रोल करता है मेटाबोलिक एक्टिविटी को है ना तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स दिए हुए हैं अच्छा इनको जो है ना अपन ने जैसे दो पर्टिकुलर पार्ट part में डिवाइड किया है एक जो आपके माइक्रो मिनरल्स होते हैं दूसरे जो आपके मैक्रो मिनरल्स होते हैं तो माइक्रो और मैक्रो इन दोनों पर्टिकुलर जो है ना मिनरल को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रो मिनरल एक्चुअल में होते कौन से हैं कितनी क्वांटिटी में ये हमारे शरीर में रिक्वायर होते हैं और मैक्रो मिनरल क्या होते हैं कितनी क्वांटिटी में ये हमारे शरीर में रिक्वायर होते हैं पहले अपन ये देख लेते हैं फिर हम जो है ना आगे बढ़ेंगे ठीक है सो गाइज यहां पर अगर अपन देखें सबसे पहले जो हमारे शरीर में रिक्वायर होते हैं दैट इज मैक्रो मिनरल्स मैक्रो मिनरल्स गाइज मिनरल्स जो है ना मैक्रो मिनरल्स तो मैक्रो मिनरल्स यानी जिनकी डेली रिक्वायरमेंट ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी डेली रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी हमारे शरीर में जिनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है ये कितनी होती है सो मोर देन मोर देन हंड्रेड एम जी ठीक है मोर देन हंड्रेड एम जी सौ मिलीग्राम से ज्यादा होती है बात समझ आई ठीक है मैक्रो मिनरल्स आपके ऐसे पर्टिकुलर मिनरल्स हो जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट या जिनकी हमारे शरीर में जो डेली रिक्वायरमेंट है ये कितनी होती है हंड्रेड मिलीग्राम हंड्रेड एम के आसपास जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके मैक्रो न्यूट्रिय मैक्रो मिनरल्स कहलाते हैं इनमें जैसे देखो कैल्शियम हो गया है ना कैल्शियम के बाद अगर आप देखें फास्फोरस मैग्नीशियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम है ना सोडियम पोटेशियम फिर आपका क्लोरीन और सल्फर क्लोरीन सल्फर ये सब जो है ना ये आपके मैक्रो मिनरल मिनरल्स कहलाते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं जिनकी हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम से रिक्वायरमेंट जो है ना डेली ज्यादा होती है ठीक है अच्छा इसके बाद अगर अपन देखेंगे जो माइक्रो मिनरल्स हैं जो हैं तो माइक्रो मिनरल्स कौन कहला जाते हैं माइक्रो मिनरल्स का मतलब होता है ऐसे पर्टिकुलर मिनरल्स जिनकी डेली रिक्वायरमेंट ठीक है जिनकी डेली रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी हमारे शरीर में जिनकी डेली रिक्वायरमेंट लेस देन हंड्रेड एन जी ठीक है 100 मिलीग्राम से जो है ना कम होती है 100 एम से कम होती है उनको अपन क्या बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिय कहते हैं ठीक है एक्चुअल में जो है ना ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है जैसे अगर आप देखें तो हो गया आयरन है ना आयरन हो गया जिंक हो गया अब ऐसा नहीं है गाइज ये अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं ये अगर हमारे शरीर में कम रह जाए तो भी ये नुकसानदायक होते हैं बहुत सारी इनसे बीमारियां वगैरह होती हैं अभी अपन वन बाय वन सारे के सारे मिनरल्स के बारे में जानेंगे ठीक है किससे क्या होता है आयरन जिंक मैग्नीशियम मोलेपडेनम सेलेनियम मोलेपडेनम है ना सेलेनियम फिर इसके साथ साथ अगर आप देखें कोबाल्ट फ्लोरीन कोबाल्ट फ्लोरीन है ना आयोडीन ये सब जो है ना आयोडीन ये सब आपके माइक्रो मिनरल्स कहला जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम से कम होती है ठीक है सो आपको मुझे लगता है कि मैक्रो और माइक्रो मिनरल समझ में आ गए होंगे चलिए आगे बढ़े उससे पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पास के बारे में बता देता हूँ गाइस जब हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास की बात करते हैं ना सो आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है ना सारे एग्जाम ऑनलाइन होने लगे हैं है ना जब एग्जाम ऑफलाइन हुआ करते थे तब हमें सिर्फ पढ़ने की जरूरत हुआ करती थी पढ़कर के अपन एग्जाम लिखते थे और अपन जो है ना एग्जाम को क्रैक कर लेते थे उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने बचपन से ही जो है ना ऑफलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस की होती है ऑफलाइन एग्जाम लिखे होते हैं और तो जब अपन ने ऑफलाइन एग्जाम लिखे होते हैं ना तो उसकी प्रैक्टिस हमेशा रहती है ऑनलाइन एग्जाम को क्रैक करना ऑनलाइन एग्जाम पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है तो इसके लिए गाइज आ जाते हैं मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट जो हमारे स्पीड और स्पीड के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी स्पीड और एक्यूरेसी इन दोनों को जो है ना बढ़ाते हैं ठीक है गाइज स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाते हैं तभी जाकर के जो है ना हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं ठीक है हमारे सिलेक्शन के चांसेस तभी सबसे ज्यादा होते हैं और गाइज टेक्सट बुक पास जो है ना तो ये आपको 550 से ज्यादा एग्जाम्स के लगभग तेतालीस हजार मॉक टेस्ट ऑफर करता है 43,000 मॉक टेस्ट राइट और 14.6 लाख लैक प्लस पीपल जो है ना तो ये हमेशा एक्टिव होते हैं गाइज यहां पे आपको बारह प्लस बारह हजार से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं दस भाषाओं में अगर आप आर टी ए पी ए एस एस आर टी ए पास कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो गाइज आपको दस परसेंट का ऑफ भी मिल जाएगा एभिन देखो आप सबको पता है कि एक जुलाई से जो है ना प्राइसेस बढ़ गए हैं राइट एक जुलाई से प्राइसेस बढ़ गए हैं फिर भी गाइज़ आपको यहाँ पे जो ईयरली टेक्स बुक पास है ये थ्री सेवेंटी फोर में मिल जाएगा लेकिन कब जब आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आर टी ए पास ये कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो टेक्स्टबुक पास है ना ये टेक्स बुक पास आपको अभी भी थ्री सेवेंटी फोर रुपीज़ में मिल जाएगा ठीक है गाइस जिसको इस पर्टिकुलर डील को आपको ग्रैब कहाँ से करना है तो यहाँ पे जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पर्टिकुलर लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर आप देखें तो आप टेक्सट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके यहाँ पे जो है ना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाली लिंक ओपन करेंगे तो आप सीधे इस पर्टिकुलर पेज में आ जाएंगे 550 से ज़्यादा एग्जाम को कवर करता है तैंतालीस हज़ार मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं बारह हज़ार प्लस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं है ना मंथली यानी कि 30 दिन के लिए ईयरली यानी कि तीन दिन के लिए और लाइफ टाइम जो कि आपको लगभग तीन साल तक की वैलिडिटी मिलती है इसमें थ्री डबल नाइन फोर डबल नाइन और सिक्स डबल नाइन में जब आप इसमें कूपन कोड अप्लाई करेंगे आर टी ए पी ए एस एस आर टी ए पास आपने कूपन कोड अप्लाई किया तो गाइज यहां पर आप देखें तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि थ्री सेवेंटी फाइव या थ्री सेवेंटी फोर रुपीज में आपको टेस्ट बुक पास मिल जाता है ठीक ऐसा कोई टाइप ऑफ मिनरल नहीं है ज्योति कि मतलब कितने होते हैं बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी में रिक्वायर होते हैं मैं आपको वन बाई वन सारे बताऊंगा थोड़ा सब्र करो और मिनरल्स जो है ना तो ये मैंने आपको बताया था कि आ, मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स जो होते हैं होमोजीनस इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ठीक है तो ये डील को ज़रूर ग्रैप करिएगा वापस आते हैं अपन अपारे इस पर्टिकुलर सेशन में तो जैसा कि देखो आप देख ही पा रहे हो मैंने आपको बताया कि जो मिनरल्स होते हैं ना ये मिनरल्स एक्चुअल में इनऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं राइट इनऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं जो हमारे शरीर की मेटाबोलिक एक्टिविटी को कवर करते हैं मेटाबोलिक एक्टिविटी को ये हमारी कंट्रोल करते हैं है ना अच्छा जो भी इनऑर्गेनिक मटीरियल है इनऑर्गेनिक मटीरियल जो एक वाइड रेंज ऑफ फंक्शन हमारे शरीर में कर जैसे मान लो अपन जो है ना चल फिर रहे हैं राइट right? रनिंग कर रहे हैं हमारे बॉडी में एनर्जी है ये सारी चीजें जो है ना ये कहीं ना कहीं मिनरल से जुड़ी हुई हैं ये सारी चीजें मिनरल से ही जुड़ी हुई हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो किसका है मिनरल्स का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है हमारे शरीर में जो है ना ब्लड का प्रॉपर फ्लक्चुएशन प्रॉपर रेगुलेशन होता है ये सारी बातें जो है ना ये मिनरल से रिलेटेड है ये सब कौन कंट्रोल करता है मिनरल अब जब आप देखो तो ऐसा नहीं है कि भाई किलो दो किलो है ना किसी का मन चला तो उसने एक किलो आयरन खा लिया एक किलो जिंक खा लिया तो ऐसे में बीमार पड़ जाओगे इनकी एक क्वांटिटी निश्चित है जो हमारे शरीर में रिक्वायर होते हैं ठीक है क्या क्वांटिटी इसकी जो है ना डिसाइडेड है तो गाइज इनकी क्वांटिटी को कुछ इस तरह से डिसाइड करा गया है कि इनकी हमारे बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट क्या है इनकी हमारे शरीर में डेली रिक्वायरमेंट क्या है तो यहाँ पे सौ मिलीग्राम हंड्रेड एम जी को यहां पर रेफरेंस मान लिया गया जो सौ मिलीग्राम है इसको यहां पर रेफरेंस मान लिया गया हंड्रेड एम जी को और हंड्रेड एम जी को रेफरेंस मान लिया गया इससे ज्यादा और इससे कम ठीक है ये दो फैक्टर यहां पर रखे गए जब हम यहां पर बात करते हैं हंड्रेड मिलीग्राम से ज्यादा की मतलब जिनकी हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट 100 एम से ज़्यादा होती है उन्हें हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स कहते हैं और जिनकी कम होती है तो इनको अपन क्या बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स ठीक है मतलब सबसे पहले आपके आ जाएंगे इसमें माइक्रो मिनरल्स इसके बाद आपका हंड्रेड एम और इसके बाद आपका जो आ जाएगा ना माइक्रो मिनरल्स यानी माइक्रो मिनरल्स जो है ना मैक्रो मिनरल्स तो माइक्रो मिनरल्स आपका 100 एम से कम और मैक्रो मिनरल्स आपका 100 एम से ज़्यादा है ना अच्छा कौन कौन से मिनरल्स आते हैं तो ये भी मैंने आपको बताया जैसे कैल्शियम हो गया है ना कैल्शियम हो गया फॉस्फोरस हो गया मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन और सल्फर इनकी क्वांटिटी हमारे शरीर में 100 एम से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है डेली इसलिए आपके ये मैक्रो मिनरल्स कहलाते हैं और जिनकी डेली रिक्वायरमेंट स्वयं जी से कम होती है जैसे आयरन हो गया जिंक हो गया मैग्नीशियम मोलबेनम सेलेनियम कोबाल्ट फ्लोरीन आयोडीन इनकी क्वांटिटी हमारे शरीर में 100 एम से कम रिक्वायर होती है तो 100 एम से कम रिक्वायर होती है तो इनको अपन क्या बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स कहते हैं ठीक है ये बात समझ में आ गई अब देखो इनके एक्चुअल में क्या फंक्शन होते हैं हमारे शरीर में भाई वन बाई वन अगर अपन देखें तो जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स uh, की पहले अपन बात कर लेते हैं मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो की अच्छा ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी डेली रिक्वायरमेंट जिनकी डेली रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में कितनी होती है 100 एम से ज्यादा हंड्रेड मिलीग्राम से ज़्यादा जिनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द मैक्रो मिनरल्स कहते हैं ठीक है ठीके? जैसे गाइज अगर अपन बात करें सबसे पहले कैल्शियम की ठीक है तो देखो इसका एक बहुत अच्छा चार्ट जो है ना ये लुशेंट की बुक में बना करके रखा है मैं आपको वहीं पे समझाते चलता हूँ है ना मैं आपको हिंदी में बताते चलूंगा तो इसमें परेशान ना होना कि सर हमको अगर सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा ठीक है जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो आ, किसकी बात करी गई है सोडियम की बात करी गई है है ना सोडियम की बात करी गई है सोडियम को अपन कैसे खाते हैं तो सोडियम अगर आप देखो सोडियम क्लोराइड NACL है ना NACL जो है ना तो इसके मेन सोर्स क्या क्या लगाते हैं जैसे नॉर्मल अपन जो नमक खाते हैं सोल्ट जिसको हो गया सोल्ट के अलावा मछली मीट एग मिल्क इन सब में अगर आप देखें तो जो रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में किसकी पूरी हो जाती है सोडियम की रिक्वायरमेंट जो कि लगभग दो से लेकर के पांच ग्राम ठीक है डेली कितना रिक्वायर होता है दो से लेकर के पांच ग्राम के बीच में रिक्वायर्ड होता है अब एक चीज ध्यान रखिएगा इज इट इज नॉर्मली फाउंड इन द एक्सटर्नल फ्लूड जो हमारे शरीर से जो है ना एक्सटर्नल फ्लूड वगैरह जो निकलते हैं जैसे आपने देखा होगा पसीना हमारे शरीर से निकलता है जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है वो कैसा होता है नमकीन होता है राइट पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है वो हल्का नमकीन होता है लवड़ी होता है ठीक है लवड़ी होता है नमकीन होता है यानी उसमें क्या पाए जाते हैं आपके लवण पाए जाते हैं है ना लवण पाए जाते हैं अच्छा ये अगर आप देखो तो उसमें मतलब जो लवण पाए जाते हैं तो कहाँ से आए जाते हैं ये आपके एनिशियल सॉल्ट से ही आ जाता है है ना अच्छा इसके बाद जो भी आपके कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स जो हमारी सिकुड़ती हैं है ना आप लोगों ने देखा होगा कि क्रैम्स आ जाते हैं कई बार शरीर में नसें चढ़ने लग जाती हैं ना क्रैम्स आ जाते हैं सो so, क्रैम्स आने पर क्या होता है ट्रांसमिशन जो है ना नर्व एम्पल्स का नर्व एम्पलसेस का ट्रांसमिशन नर्व फाइबर के थ्रू जो है ना तो ये भी किस पर डिपेंड करता है सोडियम पे आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है सोडियम यानी एन की अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कमी हो जाती है तो सोडियम की कमी होने पर क्या होता है सोडियम की कमी होने पर जो है ना तो कुछ इस तरीके से होता है कि आदमी जो जो भी पर्टिकुलर इंसान हो तो उसके मसल्स वगैरह में क्रैम्प बहुत सारे आने लगते हैं मसल्स क्रैम्प आने लगते हैं मसल्स क्रैम्प का मतलब होता है कि जैसे नसें चढ़ना हो गया है ना नसें वग़ैरह चढ़ने लग जाती हैं बॉडी में हल्का हल्का सा पेन हमेशा रहा आता है अगर कभी भी हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम हुई तो ठीक अच्छा फिर जो है ना ये कंट्रोल करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारे शरीर का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है रविंद्र मच्छर रविंद्र रविंद्र मच्छर रविंद्र मच्छर जी सुनो तो हिंदी में ही डिस्कशन चल रहा है ठीक है उसमें जो भी चीजें भले ही इंग्लिश में लिखी हुई हैं बट मैं आपको वो दोनों भाषाओं में बता रहा हूं है ना किसका क्या सीन है राइट right? किसका क्या सीन है वो दोनों भाषाओं में मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीज़ें ठीक है अच्छा तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि जब अपन सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमारे शरीर में डेली दो से पाँच ग्राम रिक्वायर होता है और ये हमें मिलता है कहाँ से नॉर्मल सॉल्ट जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट है फिश है मीट एग मिल्क इनसे मिलता है नॉर्मली गाइज अगर आप बात करें तो जो भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल फ्लूड वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के ये उससे रिलेटेड है है ना इसमें जो पर्टिकुलर फंक्शन पाए जाते हैं जैसे आप देखें कॉन्ट्रेक्शन हो गया मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो गया साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन होता है नर्व एम्पल्सिस का है ना नर्व एम्पलसेस का ट्रांसमिशन यानी कि जो भी हमारी नर्व्स वगैरह ट्रांसमिट होती हैं है ना नर्व फाइबर वगैरह हो गए तो ये सारी चीज़ें आपकी किस्में आ जाती हैं ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये आपके मिनरल्स के आ जाते हैं ठीक है ये हमारे शरीर की जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट दो भी पर्टिकुलर बॉडी बैलेंस है ना तो इसमें भी रिक्वायर होता है ठीक है अच्छा इसके बाद देखो गाइस पोटेशियम जब हम पोटेशियम की बात करते हैं अब पोटेशियम को हिंदी में भी पोटेशियम कहते हैं अंग्रेजी में भी पोटेशियम ही कहेंगे ठीक है मच्छर जी <laughs> इसका डेली रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में कितना होता है लगभग एक ग्राम के आसपास इसका डेली रिक्वायरमेंट होता है हमारे शरीर में है ना अप्रोक्सीमेटली जितनी भी चीज़ें अपन खाते हैं जो भी चीज़ें हम खाते हैं उन सब से हमारे शरीर में जो है ना पोटेशियम मिलता है राइट right? उन सब से हमारे शरीर में पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ती है उन सब से हमारे शरीर में पोटेशियम आता है नॉर्मली अगर आप देखो तो पोटेशियम जो है ना आ, हमारे शरीर में पाया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कोशिकाओं में होती हैं राइट उसमें राइट नहीं रुद्राक्षी अभी तक अपन ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है बायोलॉजी में है अपन इसके बाद जो है ना बाकी की चीजें अभी अपन आगे आएंगे है ना सेशन अभी एंड नहीं हुआ है सेशन लगातार चल रहा है ठीक है अच्छा यहां पर आप देखेंगे तो जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है राइट मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन यानी कि जैसे मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए सोडियम जरूरी होता है वैसे ही पोटेशियम भी जरूरी होता है ठीक है और ये भी हमारे शरीर के पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिट्री फंक्शन को मेंटेन करता है फिर देखिए कैल्शियम कैल्शियम की अगर आप बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली वन पॉइंट टू ग्राम के आसपास कैल्शियम हमारे शरीर में रिक्वायर होता है और कैल्शियम हमको कहाँ से मिलता है तो जैसे देखिए मिल्क जिसे दूध कहा गया मिल्क हो गया चीज हो गया अंडे हो गए ग्रेन हो गए ग्राम यानी कि चना है ना चना इसके अलावा जो है ना मछली वगैरह इन सब से शरीर में हमारे कैल्शियम की मात्रा अवेलेबल होती है और गाइज ये एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइड करता है कैल्शियम तो कैल्शियम प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ किसे बोन्स हड्डियों को सबसे ज्यादा जो है ना ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो टीथ दांत होते हैं हड्डियां हो गई दांत हो गए है ना इनमें जो विटामिन वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट रोल अगर आप देखो तो जो ब्लड फॉर्मेशन है ब्लड फॉर्मेशन में भी कैल्शियम का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है राइट right? ये किससे रिलेटेड होता है जो भी मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं राइट मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जो भी आपका ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो गया तो इन सब से रिलेटेड जो है ना शरीर में हमारे कैल्शियम पाया जाता है अब इसके बाद गाइज अगर आप देखें तो जिसे अपन क्या बोलते हैं फॉस्फोरस है ना फॉस्फोरस जो है ना तो ये हमारे शरीर में लगभग 1.2 ग्राम के आसपास रिक्वायर होता है फॉस्फोरस 1.2 ग्राम के आसपास फास्फोरस रिक्वायर होता है और ये हमें किस चीज से मिलता है तो फॉस्फोरस गाइज अगर आप देखो तो मिल्क हो गया चीज हो गया बाजरा हो गया ग्रीन लीफ यानी कि जो हरी पत्तियां हैं वेजिटेबल्स वगैरह है इन सब से हमारे शरीर में फॉस्फोरस की मात्रा आती है है ना हाँ जी ब्लड फॉर्मेशन आप सभी जानते हैं कि बोन मेरो जो है ना तो बोन मैरो वगैरह में होता है और बोन मैरो का जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम से ही होता है ठीक है अच्छा यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ये भी हमारी हड्डियों को और हड्डियों के साथ साथ दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कभी कभी देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि दांत वगैरह अगर पतले हो रहे हैं अगर दांत वगैरह पतले हो रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो कैल्शियम या फॉस्फोरस है ना इसकी कमी हो रही है ठीक है कैल्शियम या फॉस्फोरस की हमारे शरीर में कमी हो रही है तभी जा करके जो हमारे दांत वगैरह हैं ये सब आ, क्या हो जाते हैं आपका ये सब कमजोर होने लग जाते हैं साथ ही साथ जो क्वाडिनेशन राइट ये क्वाडिनेशन बिठाता है कैल्शियम के साथ क्योंकि यही फंक्शन अपन ने सेम कैल्शियम में देखे थे है ना तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के फंक्शन दोनों के लगभग जो है ना बराबर होते हैं दोनों की क्वांटिटी भी बराबर होती है और ये दोनों हमारी हड्डियां और दांत इन सब के लिए जो है ना ये बराबर होते हैं जब अपन बात करते हैं गाइज आयरन की आयरन ये बॉय में लगभग पैंतीस पच्चीस ग्राम अवेल रिक्वायरमेंट होती है डेली और गर्ल्स में लगभग पैंतीस ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ट्वेंटी फाइव और थर्टी फाइव के आसपास रिक्वायरमेंट होती है आयरन की अच्छा इसमें अगर आप देखो तो जैसे एल्ब्यूमिन हो गया राइट right, एल्ब्यूमिन किसका किसका एल्ब्यूमिन ऑफ एग अंडे का जो पर्टिकुलर एल्ब्यूमिन होता है ब्रेड होता है बाजरा बनाना स्पेनिच एप्पल वगैरह जो है ना तो ये आपके सब किससे रिलेटेड है ये आपके एल्ब्यूमिन से रिलेटेड है और गाइज यहाँ पे जो है ना तो यहाँ पे आपके शरीर में जो है ना एल्ब्यूमिन वगैरह जो है ना इन सबसे आयरन मिलता है ठीक है अच्छा आयरन जो है ना तो ये हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी रेड ब्लड कॉर्पसल के फॉर्मेशन के लिए आयरन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हीमोग्लोबिन गाइस इसके बारे में अगर अपन देखें सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द टिश्यू ऑक्सीडेशन जो हमारे ऊतकों में श्वसन होता है ऑक्सीकरण होता है इन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयरन जब आप आयोडीन की बात करें सो गाइज आयोडीन की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में डेली लगभग 20 मिलीग्राम के आसपास होती है ट्वेंटी एम की रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की है ना ये आयोडीन जो है ना तो किस में पाया जाता है गाइज जो सी फिश यानी जो समुद्री मछलियाँ हो गई है ना सी फूड हो गया ग्रीन लीव वेजिटेबल हो गई आयोडाइज सॉल्ट वगैरह हो गया तो इन सब के साथ यानी इन सब से हमें क्या मिलता है आयोडीन मिलता है Guys, ये अगर आप देखें तो ये क्या है आपका दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन जो भी हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन है ना इस थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट थायराइड ग्लैंड के द्वारा अगर आप देखें तो जो है ना जो भी पर्टिकुलर सेक्रेशन होते हैं इवन थायराइड ग्लैंड के मेनी जो भी पर्टिकुलर नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी होती है ना तो वो जरूरी होती है आयोडीन ही है ना आप देखें आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है घेंगा रोग का मतलब यहां पर जो है ना जिसको गोइटर गले में वो एक बड़का की सी ग्रंथि लटक जाती है है ना गले में एक बहुत बड़ा सा जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं घेंगा रोग कहते हैं तो घेंगा रोग जो है ना ये आपका आयोडीन की कमी से ही होता है ठीक है गाइज इसके साथ साथ अगर आप देखें जैसे मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम जो है ना इसकी क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर नहीं होती है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होता है ये जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है ना वेजिटेबल्स से हमें प्राप्त हो जाता है हरी सब्जियों से हरी सब्जियों से जो है ना ये हमको प्राप्त हो जाता है हाँ जी क्वाइटर अपन इसी को कहते हैं जो आयोडीन की कमी कारण होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था अच्छा जो मैग्नीशियम है ना तो ये फॉर द फंक्शन ऑफ फॉर द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम जो मस्कुलर सिस्टम है यानी हमारा जो मसल वाला पोर्शन है और हमारा जो नर्वस सिस्टम यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, है ना मसल सिस्टम और तंत्रिका तंत्र वगैरह इन सब के लिए जो है ना मैग्नीशियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ठीक है मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम अच्छा जब हम बात करते हैं जिंक की तो गई जो जिंक है ये भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में है ना और जिंक अगर अपन देखें तो गई ये जो लीवर हो गया मछलियां वगैरह हो गई इन सब से जो है हमारे शरीर में ये पाया जाता है ठीक है जिंक ठीक है अच्छा इंसुलिन जो है ना इंसुलिन जिसकी कमी के कारण डायबिटीज़ हो जाता है आप लोगों को मैंने बताया था जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको यहाँ पे इंसुलिन के बारे में बताया था और जब मैंने आपको हॉर्मोन्स पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बताया था कि जो इंसुलिन है तो आइलेट ऑफ द लैंगर हेंस लैंगर हें की जो दीपिका है यहां से इंसुलिन रिलीज होता है है ना तो इंसुलिन की फंक्शनिंग के लिए जो है ना जिंक इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉपर की बात करते हैं सो गाइस ये भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होता है राइट जैसे आपके मीट फेस लीवर ग्रेन्स ये सबसे और कॉपर के द्वारा जो है ना हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है बोन्स है ना जो भी आपका एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरह ये वर्क करता है और इसके बाद अगर आप, आप देखें तो गाइज आ जाता है कोबाल्ट कोबाल्ट जो है ना तो ये भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होता है है ना जो भी मीट है फिश है वाटर है इन सब से कोबाल्ट हमें मिलता है और अगर आप देखें तो ये जो आरबीसी है ना आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स और विटामिन बी ट्वेल्व है ना आर और विटामिन बी वगैरह जो है ना तो इनके सिंथेसिस के लिए कोबाल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस यहाँ पे अगर आप वाटर की बात करें ठीक है वाटर की बात करें यानी पानी की तो ह्यूमन गेट इट बाय ड्रिंकिंग जब अपन पानी पीते हैं तभी जो है ना हमारे शरीर में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वाटर इज़ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी लगभग 65% परसेंट से 75% परसेंट तक जो पर्टिकुलर वेट होता है ना बॉडी का ये आपका पानी पर ही डिपेंड करता है ठीक है पानी से ही हमारे शरीर में आता है अच्छा इसके जो मेन फंक्शन होते हैं वाटर के हमारे शरीर में वो क्या होते हैं वाटर कंट्रोल करता है जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है राइट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वाटर है ना कैसे कंट्रोल करता है स्वेटिंग करके पसीना पसीना जब अपने शरीर में रिलीज होता है ना जैसे मान लो बॉडी का तापमान बहुत ज्यादा हो गया है ना ये जब अपन को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो आप सभी ने देखा होगा भी गर्मी का सीजन भी चल रहा है कि हमारे शरीर में पसीना बहुत आता है राइट हमारे शरीर में पसीना बहुत आता है जब गर्मियों में तो यहाँ पे गई अगर आप देखें तो जो स्वेटिंग है स्वेटिंग को कौन कंट्रोल करता है तो स्वेटिंग के द्वारा ही टेम्परेचर को शरीर के कंट्रोल किया जाता है पानी के द्वारा है ना अच्छा ये जो है ना स्वेटिंग वेपोराइजिंग इन सब में काम करता है गुड आफ्टरनून हरिशंकर जी इसके अलावा अगर आप देखो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है एक्सर्सन जो भी एक्सर्टरी सब सबस्ट, सब्सटेंसेस होते हैं हमारे शरीर के जो भी एक्सर्टरी मतलब जिन चीजों की शरीर में रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें अगर शरीर से एक्सर्ट करना है तो उसके लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वॉटर पानी ठीक है पानी उसके लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो गई जो भी मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जो भी मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में होती हैं, सो ये आपका परफॉर्म किसके थ्रू होती हैं हाइड्रोलिस के थ्रू परफॉर्म होती ठीक है हाइड्रोलिस के थ्रू परफॉर्म होती है अब गाइज अगर आप देखो तो जो बैलेंस डाइट होती है मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें जो हमारे शरीर में रिक्वायर होती है ना तो ये सारी की सारी चीजें हमें एक बैलेंस डाइट से मिलती हैं बैलेंस डाइट का मतलब यहां पर होता है कि जब हम एक ऐसा भोजन करें ऐसा भोजन करें जिससे हमारे शरीर में ठीक है ऐसा भोजन करें जिससे हमारे शरीर में ये सारे के सारे जो मिनरल्स वगैरह है, हैं सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको मिल जाए ठीक है सारे मिनरल सारी चीजें आपको मिल जाए सो इसे हम यहां पे क्या बोलते हैं इसको हम यहां पर बोलते हैं बैलेंस डाइट ठीक है बैलेंस डाइट हम इसी को बोलते हैं जिससे कि हमारे शरीर में सारी चीजें जो है ना मिल जाए सारी चीजें हमारे शरीर में बन जाए ये आपका जो है ना क्या कहला जाएगा बैलेंस डाइट भाई हम खाना क्यों खाते हैं खाना खाने का सबसे बड़ा कारण जो होता है ना वो यही होता है कि जितने भी मिनरल्स रिक्वायरमेंट वगैरह हैं जितना भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है ये हमारे शरीर में कंप्लीट हो जाए है ना मतलब ना तो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो कुछ भी हो तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपका ऐसे पर्टिकुलर जो न्यूट्रिशन्स होते हैं जिनमें ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रियट्स होते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रियट्स फॉर ऑर्गेनिज्म और ये आपके अवेलेबल होते हैं एक पर्टिकुलर सफिशियंट क्वांटिटी में है ना तो सफिशियंट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं उसी को हम यहाँ पे बैलेंस डाइट कहते हैं Guys, जो न्यूट्रीशंस का अगर आप देखें तो बैलेंस यहाँ पर कितना होता है तो ये चार्ट दिया गया है बैलेंस के लिए एडिबल यानी हमें क्या चीजें खानी चाहिए है ना एडल्ट में राइट एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल चिल्ड्रन बॉय गर्ल है ना किसे कितना खाना चाहिए देखो एडल्ट का मतलब जो है ना नॉर्मल 18 साल से ऊपर है ना जो भी आपका पर्टिकुलर चाहे मेल हो या फीमेल हो 18 साल से ऊपर है ना तो इनमें आपका देखो नॉर्मल मीडियम और हार्ड जैसे अगर आप ग्रेन देखो जैसे व्हीट राइस वगैरह हो गया तो 400 ग्राम 520 ग्राम 670 ग्राम है ना? अच्छा एडल्ट फीमेल में अगर आप देखो तो 410, 440, 575 ग्राम है ना 175 270 ये सारी क्वांटिटी दी गई है अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको नेसेसिटी कैलोरीज दी गई हैं कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को कितने कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है ना तो ये डेली बेसिस पर होती है राइट right? कितने कैलोरी जो है ना आ, ये आपका रिक्वायरमेंट होती है ये आपको इसमें जो है ना मिल जाता है जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितने पर्टिकुलर कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है राइट right? कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें अगर आप देखें जैसे अगर अपन नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पर होता है कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन है ये क्या काम करता है कौन सा पर्सन क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के शरीर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट किसकी होती है, है? कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है जैसे अगर अपन बात करते हैं गाइस लाइट वर्कर्स की ठीक है लाइट वर्कर्स का मतलब यहां पर क्या होता है कि जो मतलब जिनका काम ज़्यादा नहीं होता ये नॉर्मल वर्क करते हैं ठीक है ठीके? लाइट वर्कर्स जो होते हैं है ना जो बहुत ज़्यादा वजन वजन उठाने का काम नहीं करते हैं तो ऐसे अगर अपन मेल की बात करते हैं तो ऐसे मेल को लगभग 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है फीमेल को 2100 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है अच्छा एट आवर वर्कर जो आठ घंटे काम करते हैं है ना मजदूर जिनको कह लो है ना मजदूर कह लो या जो नौकरी करते हैं ये कह लो सो so, ऐसे लोगों में शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, होती है तीन सौ तीन हजार कैलोरी या पच्चीस सौ कैलोरी तीन हजार कैलोरी मेल्स में रिक्वायरमेंट होती है और फीमेल्स में कितनी होती है ये पच्चीस सौ कैलोरी की के रिक्वायरमेंट होती है फिर गाइस जब आप हार्ड वर्कर्स की बात करो हार्ड वर्कर्स जिनका काम होता है बहुत ही हार्ड वर्क करना ठीक है तो ये गाइस आपका देखो छत्तीस सौ कैलोरी की के रिक्वायरमेंट होती है किसमें मेल्स में, में? में? और फीमेल्स में कितनी रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपका तीन हजार कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है जिनका काम होता है हार्ड वर्क करना पत्थर तोड़ काम करना या जिनको मतलब पूरे दिन में लगभग से दस घंटे क्या करना है पूरे दिन में से दस घंटे जिनको जो है ना तो पत्थर तोड़ने हैं आठ से दस घंटे जिनको पत्थर तोड़ने हैं सो तो उनमें जो है ना ये आपका रिक्वायरमेंट हो जाती है छत्तीस सौ कैलोरी या तीन हजार कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है तो इनके शरीर में आ जाती है और ये जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो अगर आप देखें उन्हें फुलफिल करनी होती है तभी उनका जो शरीर है ये चलता रहता है मतलब यहाँ पे अगर अपन एनर्जी के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हमारे शरीर में तो वो इतना आ जाता है ठीक है यहाँ पे गाइस देखो हमने ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स थे वो सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हमने यहाँ पर आ, देख लिए हैं या वो सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हमको यहाँ पर जो है ना तो मिल गए हैं अच्छा इसमें अगर हम देखें जैसे ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है तो इनके अलावा कुछ और भी मिनरल्स होते हैं राइट कुछ और भी मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर की जो डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वगैरह है ना तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ठीक है अच्छा वो कौन कौन से पर्टिकुलर मिनरल्स आ जाते जा जा जिससे देखो क्लोरीन हो गया क्लोरीन के बारे में यहां पर बात नहीं की गई थी इस पर्टिकुलर उसमें है ना इसमें अगर आप देखो तो क्लोरीन इसमें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर चार्ट में बट क्लोरीन फिर भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है है ना सो क्या उसकी ज़रूरत होती है आइए इनके बारे में जो यहाँ पे इस चार्ट में नहीं दिए थे वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं क्लोरीन की ठीक है क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो गाइस जो क्लोरीन है ना क्लोरीन एक्चुअल में आप देखें तो इसको अपन टेबल सॉल्ट भी कहते हैं नमक टेबल सॉल्ट नमक बोलते हैं गाइस टेबल सॉल्ट का जो फंक्शन होता है दैट इज वाटर बैलेंस भाई हम जो है ना जो टेबल सॉल्ट है तो टेबल सॉल्ट का काम क्या होता है हमारे शरीर में क्लोरीन का इसका काम होता है वाटर को बैलेंस करना आप देखो क्लोरीन जो है ना एक मोस्ट जो भी पर्टिकुलर जर्मी साइड टाइप का होता है जम्स वगैरह को क्लियर कर लेता है और हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो भी गैस्ट्रिक जूस हमारे शरीर में रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस तो गाइस वो इस गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक जूस यानी कि जिसे अपन एच बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस का मतलब यहां पर क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो इसके लिए फंक्शन परफॉर्म करता है अगर क्लोरीन की हमारे शरीर में डिफिशियंसी हो जाए ना तो यहां पे क्या होता है मस्कुलर क्रैम्प होते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है मस्कुलर क्रैम्प वगैरह जो है ना इसमें सबसे ज्यादा आ जाते हैं क्लोरीन की डिफिशियंसी के कारण है ना क्लोरीन के बाद देखो जो है ना आयरन मैंने आपको बताया कोबाल होता है कोबाल्ट अपन ने देखा था क्या इसमें टेबल में टेबल में।, में हमने देखा था सोडियम को पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन आयोडीन मैग्नीशियम जिंक कॉपर कोबाल्ट अगर अपन ने देखा तो जान लिया था है ना कॉपर भी अपन ने देख लिया था और जिंक भी हो गया था आयोडीन भी हो गया था है ना और क्या बचा था मैग्नीशियम भी हो गया था राइट मैग्नीशियम भी वो हो गया था फ्लोरीन गाइज फ्लोरीन अगर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग टूथ एने को जानते हैं फ्लोरीन टूथ को जानते दांतों की जब बाहरी सटा होती है ना ये बाहरी सटा बिल्कुल एकदम बाहर की एकदम बिल्कुल सफेद चमकदार होती है सो तो ऐसे ही हम क्या बोलते हैं टूथ एनामिल बोलते हैं फ्लोरीन की जब अपन बात करते हैं तो फ्लोरीन हमें वाटर और मिल्क दोनों से मिलता है वाटर पानी और मिल्क जिसको अपन ने बोला दूध ये दोनों चीजों से हमारे शरीर में फ्लोरीन हमें मिलता है वाटर और मिल्क से ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है टूथ एनामिल ठीक है दांतों की जो एनामिल होती है यानी कि जो आउटर सरफेस होती है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसके साथ साथ अगर आप देखो बोन गाइस टूथ एनामिल अगर आप देखो तो ये सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट कहलाता है हार्डेस्ट आपका जो है ना मटीरियल इनऑर्गेनिक मटीरियल कहलाता है डायमंड के बाद ठीक है अच्छा गाइज अगर आप देखो फ्लोरीन की हमारे शरीर में कमी होती है ना तो डेंटल डेके होने लग जाता है राइट right? गाइस इसके बाद अगर आप देखो मैग्नीशियम जैसे हो गया मैग्नीशियम जो है ना ये हमें वेजिटेबल्स वगैरह से मिलता है जो मैंने आपको अभी बताया था मैग्नीशियम के बारे में ठीक है ठीक है अच्छा इसके बाद गाइज आप देखो तो जैसे मोलिपडेनम हो गया मोलेपडेनम ठीक है तो जो मोलेपडेनम होता है ना जैसे देखो जो दालें होती हैं दलहन जिसको अपन बोलते हैं पल्सेस कैरल्स मीट इन सब से जो है ना हमें क्या प्राप्त होता है इन सब से हमको दलहन से या इनसे हमको जो है ना मोलेपडेनम प्राप्त होता है इसका फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन होता है नाइट्रेट को एसेमुलेट करना ठीक है इसका फंक्शन होता है नाइट्रेट एसिमिलेशन तो जो नाइट्रेट एसिम्यूलेशन है ये फंक्शन किसका होता है मोलेपडेनम का अच्छा अगर शरीर में मोलेपडेनम कम हो जाता है तो अगर इसकी डेफिशियंसी हुई हमारे शरीर में यानी कि ये जो है ना हमारे शरीर में अगर कम बना इसकी डेफिशिएंसी हुई तो इससे क्या हो जाएगा रिटार्डेड ग्रोथ यानी हमारी जो पर्टिकुलर ग्रोथ है शरीर की ये बहुत ज्यादा रिटार्डेड होती है जिस मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में ग्रो शरीर करता नहीं है है ना बोन वगैरह का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता कई बार तो जो है ना आ, लोगों में ड्वाफिजम यानी बोनापन भी पाया जाता है राइट क्योंकि शरीर का जो है ना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं ठीक है सो ये सारी की सारी जो है ना ये मिनरल्स हैं जो रिक्वायर होते हैं हमारे शरीर में चाहे आपका वो आ, मतलब मैक्रो मिनरल हो या माइक्रो मिनरल इनसे जो है ना हमारे शरीर का डेली डेवलपमेंट जो है ना तो जुड़ा होता है ठीक है डेली डेवलपमेंट हमारा इन मतलब जो हमारे शरीर का है वो इनसे जुड़ा होता है तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग है ना और यहां पर देखो आज के सेशन को अपन यहीं पर रोकेंगे और अगर आप जो है ना एसएससी की तैयारी कर रहे हो एसएससी की आप अगर तैयारी कर रहे हो फॉर ऑल एसएससी एग्जाम एस एस सी के सारे एग्जाम्स के लिए अगर आपके एक प्रॉपर गाइडेंस रिक्वायर है प्रॉपर गाइडेंस रिक्वायर है तो आप ये पर्टिकुलर बैच नंबर फोर एस एस सी लाइफ कोचिंग वन ईयर कोर्स बैच नंबर फोर या जो बैच नंबर फाइव है ठीक है इनमें से किसी भी पर्टिकुलर बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपको एक डिग्री की एग्जाम प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है। है इसमें मिलती है आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लस प्लस टेस्ट, नोट, डाउट सॉल्विंग एग्जामी परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा बीस प्रतिशत का डिस्काउंट मिल जाएगा हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज के गाइडेंस के साथ ठीक है और गाइज मेरे चार पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं इनका आपको बेनिफिट जरूर लेना चाहिए सुबह छः बजे मैं करेंट अफेयर की क्लास लेता हूं, ठीक है इसके बाद गाइज अगर आप देखें तो वन पी पे हमारी जो है ना ये लूसेंट वाली क्लास होती है राइट लूसेंट साइंस की क्लास होती है वन पी पे फिर गाइज आप देखें थ्री पी बजे हमारा जो है ना करेंट अफेयर का रिविजन सेशन होगा मास्टर क्लास ठीक है मास्टर क्लास और इसके बाद जो है ना हमारी नेक्स्ट मास्टर क्लास जो है ना ये होती है एट पी रात में आठ बजे जो है ना ये हमारी जीए की मास्टर क्लास है ठीक है so सो गाइस फिलहाल अभी के सेशन में इतना ही आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी चीजें अगर समझ में आई है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा सेशन को शेयर करिएगा चेस्टबुक डॉट कॉम के ऑफिशियल चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो गाइज आज के सेशन में इतना ही नेक्स्ट क्लास टेक केयर बाय डे